नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। इंदौर के कुम्हेड़ी में प्लांट से ऑक्सीजन सिलेंडर चुराने के आरोप में 5 कर्मचारियों के साथ मालिक, उसकी बेटी, मैनेजर और चाय वाले ने रात भर निर्दयता पूर्वक पिटाई, सजा के तौर पर बर्फ पर खड़ा किया, मुंह में मिर्ची डाल डाल कर पीटते रहे। सुबह परिजन पहुंचे तो आरोपियों ने उन्हें छोड़ दिया। पीड़ितों ने 2 सिपाहियों पर भी मारपीट का आरोप लगाया है। इसमें बाणगंगा पुलिस ने 20 साल के राज वर्मा की शिकायत पर संचालक भवर लाल शेखावत, उसकी बेटी कोमल, मैनेजर धीरा और चाय वाले पप्पू के खिलाफ मारपीट की साधारण धाराओं में केस दर्ज किया। दरअसल इंदौर के पाटनीपुरा के लालापुरा में रहने वाले राज और नेहरू नगर गली नंबर 1 में रहने वाले चिराग वर्मा ने बताया कि हम दोनों भवर लाल शेखावत के कुम्हेड़ी स्थित BRJ कॉरपोरेशन प्लांट में काम करते हैं। हम 12 मई की रात 10 बजे काम पर पहुंचे। जैसे ही अंदर पहुंचे तो हमें एक हॉल में ले जाया गया। यहां पर बाणगंगा थाने के 2 सिपाही भी मौजूद थे। इसके अलावा प्लांट का मालिक, उसकी बेटी कोमल, मैनेजर धीरज, चाय वाला पप्पू सहित 15 से 20 लोग मौजूद थे। अंदर ले जाते ही हमें जानवरों की तरह पीटा गया। फिर आधा घंटे बाद पुलिस वाले चले गए। इसके बाद हमें ये 4 नामजद लोग अंदर वाले कमरे में ले गए। यहाँ पर फिर से हमें पीटना शुरू किया। हम दोनों गुहार लगाते रहे लेकिन किसी का दिल नहीं पसीजा। मालिक की बेटी तो प्लास्टिक के पाइप से लगातार पीटती रही थी। फिर हमें बर्फ पर खड़ा कर दिया। बाल नोचे राज की पीठ पर खूब मारा। बर्फ पर खड़ा करने के बाद फिर उन्होंने हमारे मुंह में मिर्ची डाली, उसके ऊपर से बर्फ ठूस दिया, बोले चिल्लाएं या मिर्ची फेंकी तो खत्म कर देंगे। रात 2 बजे हमारे साथ काम करने वाले रवि नंदवाल निवासी पाटनीपुरा, अनिकेत और दिव्यांश दोनों निवासी गांधीनगर पहुंचे। फिर इन तीनों के साथ भी वैसे ही पिटाई की जो हमारे साथ की। हम चिल्लाते रहे, गिड़गिड़ाते रहे लेकिन किसी का दिल नहीं पसीजा। हम पर चोरी का आरोप लगाकर लगातार पीटा जा रहा था। आखिर सुबह जब हमारे घर वाले प्लांट पर पहुंचे तो हमें छोड़ा गया। हम सीधे थाने पहुंचे, वहां TI ने प्लांट वाले को धमकाया और फिर मामूली धाराओं में केस दर्ज करके हमें रवाना कर दिया। इस दौरान जो रिपोर्ट लिखी है वो भी उन्हीं पुलिस वालों ने लिखी है। उन्होंने रिपोर्ट लिखने के दौरान हमारा वीडियो भी बना लिया। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस की भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है। इस मामले में इंदौर के DIG मनीष कपूरिया ने कहा है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी। कुछ दिनों पूर्व भी इंदौर के आजाद नगर थाने में पिटाई का मामला सामने आया था और अब इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में युवकों के साथ पिटाई का मामला सामने आया है। अब देखना यह होगा कि पुलिस के आला अधिकारी इस मामले को कितनी गंभीरता से लेते हैं। और आपका नाम क्या है? चिराग वर्मा। क्या हुआ था आपके साथ, बताओ। हम रात में काम पर गए सर। कहाँ पर गए काम पे? BRJ कॉर्पोरेशन में। तो 10 पे हम पहुंचे। ये काय की कंपनी है? ये ऑक्सीजन सिलेंडर की। अच्छा, कब पहुंचे आप? कल। कल हम पहुंचे वहाँ। हमको 10 मिनट बाद बुलाया, सामने टेस्टिंग दूंगा मालिक। हाँ, तो वहाँ पे हमको बुलाया। हाँ, 10 मिनट पहले तो 20-25 जने पहले से अंदर थे। हमारा सेठ और हमारे सेठ की छोरी भी अंदर थी। सेठ का नाम क्या है? बाबा सिंह शेखावत। और सेठ की छोरी का नाम कोमल सिंह शेखावत। ये मोहन सिंह शेखावत का नेता जो भाजपा वाले हुए? नहीं, इनका खुद का प्लांट है ये। वो ये भाजपा नेता तो नहीं है ना? नहीं नहीं। अच्छा, फिर क्या हुआ? वहाँ पे गए तो हमको बुलाया दोनों को। तो 25 जने पहले से अंदर, जैसे हम दोनों अंदर घुसे, 15-1 जने और अंदर घुसे, हमको मारना चालू करा। पटक पटक के हमको मारा, छोड़ ही नहीं देते। सब हमको मारा यार। फिर वहाँ से जैसे तैसे आधे घंटे तक हमको मारा। आधे पौन घंटे बाद हमको वहाँ से निकाल के रूम में लेके गए। रूम में हमको मारा, रूम में हमको बर्फ की सिल्ली पे खड़े करके, अच्छा, बाल्टी में बर्फ डाल दिया, बर्फ को बाल्टी में खड़े करके मारा जा रहा है, छोड़े नहीं रहा। उसके बाद मेरे मुँह में मिर्ची घुसर दी थी और बर्फ का डल्ले भर दिया था, बोले शुक्र तो मारेंगे। अच्छा, ऐसा। और इसके भी पीट पीट पे इसको भी पूरे मिर्ची लगा दी थी। और कौन कौन को मारा तुम? दो के और किसी? तीन और। क्या क्या नाम उनके? अनिकेत राठौर, दिव्यांश और रवि नंदवाल। ये कहाँ रहते? ये रवि नंदवाल तो यही रहता है। दिव्यांश और अनिकेत सर गांधीनगर में रहते हैं। अच्छा, सब लोग करते क्या प्लांट में? क्या काम करते आपका? काम करते थे हम, गाड़ी लोड, गाड़ियां लोड करना, खाली करना। किस आरोप में मारा आपको उन्होंने? सिलेंडर हमने वहाँ से निकाला, 10-1 सिलेंडर हम लोगों ने वहाँ से बेच दिए थे चोरी छुपे। जो भी बेचे थे और सर वो मंगा भी दिया, मंगा भी दिए थे वो तो 10 सिलेंडर पूरे मंगवा भी दिए मैंने, वहाँ पैसे भी दिए, उसके बावजूद भी मारा मेरे को तो। अच्छा, हाँ सर। और दो पुलिस वाले भी थे। क्या नाम था पुलिस वालों का? पुलिस वालों का नाम नहीं पता था उनको, छेदे से जानते। अच्छा, वो भी अंदर थे उस टाइम मारने में? वो भी अंदर थे। क्या बोले थे वो? उनने भी मारा, बोले बताओ ना, बताओ, बुलवा दो कि नहीं। बोले सिलेंडर फोन पे ही बात नहीं करने दे रहा था, फोन उनमें फूट गया था हमारा। अच्छा, फोन ऐसा मार दे कि फोन उनमें गिरा दिया उनने। और फिर क्या रात भर बंद रखा आपको? रात भर बंद नहीं रखा, जो मारना शुरू करा था सुबह 11 बजे तक हमारा 10 बजे इनको थाने भेज दिया था। फिर ये लोग थाने गए, 4 जने, फिर मैं अकेला था। हाँ, मेरे पापा पैसे लेके आ रहे थे, 10 सिलेंडर तो मैंने पहले बुलवा दिया, पापा पैसे लेके आ रहे थे। पैसे देने के बाद उनने मेरे को मारा, इनके जाने के बाद हम चारों को जाने वाले इसको अकेले को मारा।
दस सिलेंडर में कितना फायदा करा था तुमने, कितने कमाए थे पैसे? दस सिलेंडर में हमने जो भी कमाए थे वो पूरे ऐसे कैसे पैसे उनको दे दिए थे हमने, 1,00,000 रुपए। अच्छा। जो मैंने 1,00,000 रुपए दिए उनको, 10 सिलेंडर जो मैंने निकाले थे वो भी उनको 10 सिलेंडर मंगवा के दे दिए। तो पांचों लोग चोरी कर रहे थे आप लोग क्या? पांचों लोग में से सर मतलब पांचों लोग ने ही करी थी, तो मैंने जो मेरा करे थे 10 सिलेंडर वो मैंने बुलवा दिए, पैसे भी दे दिए, दो मंगवा दिए थे मेरे। अच्छा, इनको पता कैसे चला, चोरी कैसे पकड़ाई? ये तो किसी को भी नहीं पता, हमारे साथ वाले किसी ने रिकॉर्डिंग दी थी। वीडियो में आ गया था? वीडियो में नहीं सर, या रिकॉर्डिंग भी दी, रिकॉर्डिंग दी गई है सर। अच्छा, तो ऐसा क्यों कर रहे थे आप लोग, क्यों कर रहे थे? ऐसा था उसका ही मतलब, जिनको इमरजेंसी लग रही थी, जो हमारे मतलब टच में थे, हम उनको दे देते थे। जैसे कहीं किसी का मामा एडमिट हो या किसी के घर वाले, तो हम मैंने ठीक है ऐसा उनको कम पैसे में दे देते थे हम वहाँ से। अच्छा, कैसे निकालते थे तुम लोग वहाँ से? हम वहाँ से सर डायरेक्ट चालान बनवा के निकालते थे, हम ऐसे निकालते भी नहीं, चालान बनता था उसके बाद ही वहाँ सिलेंडर। नहीं, चालान बनता तो फिर पैसे जमा होते होंगे चालान में? 400 रुपये चालान जमा होते थे, उसके बाद ही सिलेंडर भरा होता था सर। पर वो खाली सिलेंडर आप लेते नहीं थे भरिया? खाली सिलेंडर नहीं लेते थे। अच्छा, उससे भरा भरा देते थे? उसको बस भरा देते थे, उससे हमने ऐसी बात भी कर लेते कि तेरा जब काम हो जाता तो खाली देते ना, तो उन्होंने 10 पूरे 10 सिलेंडर दे दिए मुझे। अच्छा, ऐसा इसमें समुचित धाराओं में अपराध दर्ज किया गया है और उसका अनुसंधान किया जा रहा है, और जो आरोपी हैं उनको विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। कोई फैक्ट्री संचालक जी? हाँ, उसमें जी हाँ, उसमें फैक्ट्री में काम करने वाले कुछ व्यक्तियों के साथ ऐसी घटना की रिपोर्ट हुई है और इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट टीवी ऐप।